हेलो दोस्तों, गोट फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए जम्स क्रिएशन चैनल को और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। वेलकम टू PNS एग्रो, जम्स क्रिएशन एंड नारकर ब्रदर्स। तो आज हम लोग हैं स्टार गोट्स फार्म पर, हमारे साथ में आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि माशाल्लाह इनका खुद का यूट्यूब चैनल है। माशाल्लाह सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, न्यू अपने फार्म रेनोवेट किया कि न्यू जगह लिया आपने? नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग पहले दूसरी जगह पे थे जी, यहाँ से 500 मीटर की दूर पे था। ओके, अब ये नई जगह लिए है, इसको पूरा नई तरीके से बनाए। माशाल्लाह, कोई दूसरा फार्म यहाँ चल रहा था जी जी, अब इसको यानी दूसरा हम लोग ने लेके टेक ओवर करके ओके रेंट पे है, खरीदे नहीं है। आप लोगों की दुआ रहेगी तो खरीद लेंगे इंशाल्लाह। दुआ करना जरूरी। तो हम लोग ने तो इसकी वीडियोस देखे, काफी मेहनत लगी है फार्म को बनते हुए। पूरा 30 डेज यानी 1 तारीख को हम लोग के हाथ में आया था ये फार्म। माशाल्लाह, एक तारीख हो गई है। तो हम लोग पूरा फार्म भी दिखा देते हैं। माशाल्लाह काफी अच्छा आपने बनाया है। ये सब मेंढे है ना? हाँ, ये मेंढे, ये एक्चुअली अभी थोड़ा सा काम बाकी है इसके अंदर जी, और इसको भी हाइट करेंगे। ओके, तो हाइट करने का बेनिफिट ये होता है की सफाई वफाई में समझ में आएगा, ये अभी इसको उठा के साफ करना पड़ता है। ओके, तो उसको सफाई करने के लिए हम लोग थोड़ा सा और से बहुत से काम अभी भी बाकी है, लेकिन वो वक्त होते होते धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए। तो माशाल्लाह मेहनत तो बहुत लगी है और बहुत अच्छा फार्म लग रहा है। अच्छा, ये अच्छी चीज ये है मालूम है सबसे जी, ये सब पुराने मटेरियल से बना है, हम लोग का वहां से जो निकाले ना उससे बना है, ये हम लोग का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ज्यादा मतलब इसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगी, कुछ 10-1000 रुपए के कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा लिया था। हाँ, और कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब सब वही है। और बकरे माशाल्लाह अभी जितने अभी खड़े तो ये सेलिंग वाले हैं? नहीं नहीं, इसमें मैक्सिमम सेलिंग वाले हैं, पलाई के कम है, पलाई के कम है। आ जाओ, और लोग भी माशाल्लाह आ रहे, दावत करे थे जी। माशाल्लाह हेल्थ को लेके काफी मतलब कॉन्शियस है। चलिए दिखाते हैं आगे। काफी लोग एक्चुअली आ रहे जा रहे ना वीडियो बनाने के लिए, तुम लोग भी कितनी देर? मैं तो कम से कम 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि आसिफ भाई आप फ्री होएंगे तो थोड़ा वीडियो बनाएंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली वही आ रहा है, मेहमान लोग को सबको टाइम मेरे को ही देना पड़ता है ना, मैं हूँ तौसीफ है। अच्छा, एक चीज है कि आपने अभी बफेलो का भी स्टार्ट किया है, तो ये उसका पलाई ले रहे हो या फिर मतलब कैसे लेंगे? मेरे पास कुछ है, वो लोग उसको खरीद के पलाई पे भी दे सकते हैं या अपना भी लाके पलाई पे दे सकते हैं। अच्छा, अपना लाके भी पलाई पे दे सकते हैं, तो ये कुछ न्यू चीज है, मतलब बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे बेनिफिट क्या होता है मालूम, अपन जो बकरे का करते हैं ना, राइट, बकरे में एक नाम पे, एक बकरे पे एक ही कुर्बानी, वो एक अमाउंट पे, सर्टेन अमाउंट पे। इसके अंदर एक अमाउंट पे 7 नाम हो जाते हैं। माशाल्लाह, तो मेरा थोड़ा सा हम लोग पहले से मदनपुर से कॉन्टेक्ट ताल्लुक रखते हैं, तो वो हिसाब से जी हम लोग का एक झुकाव था इसके ऊपर, लेकिन मेहनत उसमें भी बहुत है। मैं देखा हूँ की रस्सी तोड़ के भागने लग जाते हैं, अभी और तुम देखे थे ना, परेशानी बहुत रहती है, मेहनत उनके पीछे थोड़ा सी ताकत हो रहा है। जिम भी ज्वाइन किया, जिम तो मतलब ऐसा हो गया की बकरों में जैसे ऑलरेडी जिम हो रहा है, बकरों में भैंसों में जिम हो रहा है, बट इससे है कि एक्स्ट्रा थोड़ा मैनेज हो जाता है। तो फार्म और दिखाते हैं, ये सब केजेस बने हैं, 28 केज है। अच्छा माशाल्लाह, ये सब अपने अभी रखे हुए अपने, ये सब कुछ बकरे होंगे, 8-10 बकरे पलाई होंगे। अच्छा, और अभी जैसे इस फार्म को लेने का आपका मकसद, जगह बड़ी करने का मकसद? नहीं, एक्चुअली ड्रेन का प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, और बारिश में मेरे हिसाब से जितने लोगों ने कंप्लेंट हम लोग को करे, आने का रास्ता शायद सभी को मालूम है कि हम लोग खुद पानी में लोगों को आना पड़ता था, और बारिश में अभी और 2-3 साल कुर्बानी हुई, तो वो सबसे बड़ा अजाब था मेरे लिए। नहीं तो अभी लोगों को आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी, बस डायरेक्ट गेट से एंटर करना है। और क्या कैपेसिटी रहेगी इस जगह की, लाइक कितने बकरे आप रख सकते हैं? अगर मेरे पास खाली रहेगा ना, तो कम से कम मेरा 1.5 गाड़ी का माल है, 1.5 गाड़ी में रख सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी अपने पास भी बकरे रहते हैं। अच्छा, बकरों की पलाई का लेने का आपका कुछ अभी इरादा है? ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन कुछ खास लोग रहेंगे ना जी, जो पैसा टाइम पे पलाई में सबसे बड़ा, लाइक अगर कुछ है
साइड इफेक्ट तो भाई जो वीडियो देख रहा है अगर अगर पैसा टाइम पे दे सकता है तो आसिफ भाई से कॉन्टेक्ट करो, वरना ऐसे ही ठीक है चलने दो, ऐसे ही चलने दो, पेट बढ़ाने की गारंटी चलेगा जैसा चलेगा, टेक केयर करेंगे, ध्यान देंगे। अरे नहीं यार मैं तो ध्यान दूंगा यार, कॉमन से मैं नहीं दूंगा तो अभी भी माशाल्लाह बकरी जितने हैं सब वेल मेंटेन है, ऐसा नहीं कि मतलब ये तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये क्या है इसको मतलब सेलिंग के लिए है? नहीं नहीं ये पलाई के बकरे, ये पलाई के बकरे अच्छे बकरे सब माशाल्लाह एकदम बहुत खूबसूरत है, ये तो बहुत छोटे 30-32 किलो पे आए थे माशाल्लाह, अभी सब अच्छे हो। थोड़ा और आगे आपका आम दिखा देते हैं, एक्सोटिक में भी आपने रखा है ना50 लाख 60 लाख वाला हिसाब लेना उतना नहीं जाएगा वो बकरा ईद में करते ना मंडी में माशाल्लाह ये थोड़ा सी अमान ने पाला इसको, ये इसकी तारीफ इन लोग से मैं सुनाऊंगा, इन लोग को मालूम है कैसा आया था भाई, ये इन लोग को मालूम है थोड़ा बहुत सपना जब आया था ना ये मेंढा जी तो इतना बड़ा था और एकदम 13 किलो का ये आया था मांस 13 किलो और एक बकरा इन्होंने बेचा था सिपाही में, वो बकरा जिसने लिया तो बोले मेंढा मांग रहा था तो बीमारी में आया था क्या नॉर्मल बीमारी में जब आया था ना इसके खूर है ना खूर, अरे भाई वो मुखड़ी जैसे ऐसे फूल थे, हम लोग ने ग्राइंडर से काटे, अरे बाप रे, अरे माशाल्लाह दिया ने आसिफा ने बोला अच्छा ये हां कुछ बनेगी, ये तुम बोल भी रहे थे ना कि क्यों पैसा आ रहा है दे दो बेच दो, मैं बोलता नहीं है शॉप चैनल पे है। चलो अगर किसी को होगा तो हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में कर देंगे इसका, मैं दे दूंगा उसका लिंक। माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छा तैयार हो गया ये, क्या हुआ 85 किलो पे अभी और ऐसा है कि लाइव लोगों ने देखा हुआ है, सामने देखे ये लोगों ने, अच्छा इत्तेफाक से लोग मिल गए तो मेरे को याद आया, अच्छा ऐसा नहीं कि आशिफ भाई ने पीछे खड़े किए थे कि भाई लाके दिखा दो, हां कोई वैसा प्री प्लान नहीं है मेरा वो सब काम, ये एक्चुअली है ना इन लोग मेरे को पीछे पड़ते आसिफ भाई पैसे अच्छे आ रहे दे दो अरे बोला वो अच्छी चीज है हम लोग पालेंगे, अभी तो माशाल्लाह अच्छा तैयार हो गया उसकी बनावट बनावट इतना अच्छा है, एक्चुअली ये सब कैमरे में है ना, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ ना, कैमरे में समझ में नहीं आती है सब जो ये चीज लाइव में समझ में आएगी वो कैमरे में नहीं समझ में आएगी। अच्छा अभी अपना एक्सोटिक में क्या कलेक्शन है, एक्सोटिक में वो कुछ बनूर के मेंढे हैं, मतलब जो चीज को लेके आप पहले से ही काम करते आ रहे हैं, बेंटम बहुत है मेरे पास दिखा देते हैं, चाइनीज विंग बहुत है माशाल्लाह, ये सब विंग है, ये एक्चुअली मेरे पास काफी टाइम से है, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था यार मैं शिफ्टिंग को लेके और वो जगह को लेके, इसमें कारोबार नहीं के बराबर कर रहा था, लोगों को बहुत सब हो रहा, आप बिलीव करोगे 15 दिन मैंने काम पे नहीं किया, अरे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था मैं और ये सब वही दौरान के बहुत से जानवर थे मेरे बहुत आगे थे, हाँ। ये मेरे कल से स्कूल में भी आए थे ना असदुल्लाह स्कूल में, आपने शायद इसका एग्जीबिशन लगा था स्कूल में, हाँ सब लगा था, यानी जो तकलीफ थी मेरे को पुराने फार्म पे, राइट राइट हकीकत में जानता हूँ मेरे अल्लाह जानते हैं मैं काफी डिस्टर्ब हो, हाँ मतलब काफी चीज है अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने के बाद, तुम यकीन मानो एक नया जोश आया है मेरे को यहाँ आने के बाद, हकीकत में मैं बोल रहा हूँ लोग मेरे खुद बोल रहे हैं यार आपके चेहरा थोड़ा सी अच्छा लग रहा है, चेहरा एकदम स्ट्रांग, क्योंकि देखो क्या होता है मालूम मेरा यही कारोबार है, राइट राइट, अब धंधे के ऊपर और पेट के ऊपर जब आती है ना तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ ना कुछ तकलीफ आएगी, मेरे को ऐसा था कि वो फार्म चला गया और कोई दूसरा मेरे मतलब का नहीं मिला तो मैं करूंगा क्या, राइट राइट, मतलब आप बीच में ढूंढ भी रहते हैं बहुत जगह, बहुत जगह मैं सबको मालूम है 90% बकरे वालों को मालूम है कि आसिफ भाई फार्म दे, मेरे ख्याल से आप कोई दही सर मुरी साइड भी शायद मैं गया, बहुत लंबा तलोजा तक का मैं चला गया था, लेकिन अल्लाह ताला को बोलते ना जब करना रहता है, मैं एंड में एकदम थकार के बैठ गया कि अब शायद मेरे को वहीं पे गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह की बेहतरी अचानक हम लोग दो लोग इधर आए, ये फार्म खाली हुआ था नसीब कोई और पहले था, बोलते ना तकदीर से मेरे को जब भी पसंद नहीं आया लेकिन मैं बोला कुछ तो करना है, लेकिन हम लोग ने माशाल्लाह जो इसमें रौनक लाए, जो पुराने लोग आए उन लोग बोलते ना बोले नहीं मैं इससे
बहुत, इससे पहले भी विजिट किया यहाँ पे, बट अभी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बना दिया, बहुत यानी हर चीज अभी भी मेरे हिसाब से काम बाकी है, एलिवेटेड पूरा वो तरफ भी पूरा बनना बाकी है माशाल्लाह, अच्छा हो जाएगा, अल्लाह ताला रोजी भी देंगे और अब हम लोग काम करेंगे, अच्छा काम अभी जोश में हो माशाल्लाह, और पुराना टेंशन नहीं, ये वो अब स्कीम के लिए तो माशाल्लाह पहले से ही आसिफ भाई तो ये सब अपनी से बड़ी ऑफर ऊपर ऑफर ऑफर के चलते किस्तों पे हम लोग ने देना चालू किए, नहीं तो कहाँ यार ये सब कितने तो माशाल्लाह, ईद का काम तो माशाल्लाह आपका बहुत जबरदस्त है, हम लोग को बेनिफिट हुआ ये, और मेरे जो पार्टनर है जो वहाँ के जयपुर जो मैं काम करता हूँ वहाँ से, तो उन लोग को भी बहुत खुशी हुई, उन लोग भी आए थे यहाँ पे, तो अब हम लोग को काम करने में आसानी, जो लोगों को तकलीफ थी उसको जहन में रखते हुए बहुत अच्छा काम माशाल्लाह, काम बहुत अच्छा हुआ, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा फार्म। अच्छा मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे पीएनएस एग्रो, हाँ, तो पीएनएस एग्रो अच्छा डब्बा है यार साला, मैं तुम्हें सोचा कि पीएनएस का भी प्रमोशन हो जाए, पीएनएस का तो मैं पहले भी डाला यार, अच्छा बंदा क्रेडिट भी लंबी लंबी देता है, जल्दी फोन भी करता है, अच्छा और क्या चाहिए, सलाउद्दीन भाई अच्छे है, रेड वेड भी अच्छा देते हैं, मैं बोला भी था ये डब्बा बहुत अच्छा है, एक्चुअली इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे को हकीकत में मैं पहले ही बताया, यहाँ पे अपने को पूरा बनाना पड़ता था, राइट राइट, फिर वो दूध की ट्रे ऐसे डालनी पड़ती थी, हाँ, और दूध की ट्रे में प्रॉब्लम क्या होता था मालूम है, ये नीचे का जो हिस्सा है ना जी, वो एक मिनट बता दो, ये नीचे के हिस्से में ना सब फंस जाता था, सब फंस जाता, हम लोग गीला दाना देते, सूखा दाना दे तो अलग बात होती है, कोई में भी चल जाएगा बकरे पाल, तो खल वगैरह का मिक्स होता है, किनारे जमते 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 बहुत प्रॉब्लम होता है जी, तो भी आपका ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह, पीएनएस टू यूज है, कभी भी आदमी ले जाए और बुला उठा देते हैं जी जी, बहुत अच्छा है, तो पीएनएस को लेके आपका फीडबैक है पॉजिटिव, हां अच्छा है, क्रेडिट लंबी दी जाए क्रेडिट को लेके बता रहे, अच्छा बनता है, मैं तो ज्यादातर मैं पीएनएस को, हम लोग ऐसा नहीं है कि सलाउद्दीन भाई की पीड़ है जी, मैं हमेशा से कभी भी मेरे पास कोई आता है कुछ हरी पत्ती है कुछ, तो मैं पीएनएस को ही रेफर करता हूं, क्योंकि देखो आदमी ईमानदार है, जबान का भी बंदा अच्छा है, और हम लोग ने कितनी बार देखे, ऐसा नहीं है कि कहीं फोन कर दो अल्हम्दुलिल्लाह माल आ जाता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है सलाउद्दीन भाई को, तो क्वालिटी के ऊपर भी उन लोग और मार्जिन कम रखते हैं, अच्छा है वो, एक अच्छी बात है, अच्छा माशाल्लाह। तो आसिफ भाई थोड़ा हम लोग पीछे भी आपका फार्म दिखा देते हैं, तो पूरा एक फार्म ओवरव्यू दे देते हैं माशाल्लाह, और ये मुर्गियों में भी आपका अलग अलग कलेक्शन है, मुर्गियों का तो तुम्हारे को है ना वहाँ पे दिखा देना अपने जी जी, ये सब तो बेसिक है, ये सब ये भी सेलिंग वाले आइटम है क्या, सब फेयर के लिए, ब्रीडिंग भी होती है इनके यहाँ पर, हम लोग ब्रीडिंग भी कर रहे हैं पूरा, हाँ, और सब अच्छे से ब्रीडिंग के साथ साथ जो अंडे होते हैं, हम लोग अंडे नहीं बेचते, अंडे से बच्चे होने के बाद वो उसको ही बेचते, अच्छा, तो बकरों में भी काम है और मुर्गियों में तो माशाल्लाह एक्सोटिक में बहुत अच्छा काम है, ये सब देखो ना सिल्की के, ये क्या क्या ब्रीड है, ये सिल्की है, सिल्की माशाल्लाह, तो ये भी मतलब किसी को इसका भी शौक है तो, अरे भाई ये बहुत अच्छे, आज हम लोग सुबह से माशाल्लाह कितना माल बेचे हैं माशाल्लाह, हाँ एक्चुअली बहुत से लोग रुके हुए थे, अभी सब ले लेते हैं घर पे पालने के लिए, लोग लेते हैं घर पे पालने, फार्म पे रखने के लिए सब, तो यहाँ पे भी एक फार्म दिखाते थे, ये आपने एरिया किस चीज़ का बनाया, ये पहले से ऐसे ही था ये पूरा, ओके, हम लोग इसको कुछ छेड़े थे लेकिन हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे अभी, ओके, मेरा हिसाब से अगर मेरा कुछ अच्छा जजमेंट सेटिंग बैठी, हाँ, क्योंकि देखो ऐसा लगता है लोगों को कि मैं ये बना देता हूँ मैं वो बना देता हूँ, हाँ, हमारे को बाप दादा से कहीं से पैसे नहीं मिले, हम लोग को अपने जीव से ही करना है, तो मेरे पास कोई बहुत खजाना भी पड़ा नहीं है, एवरेज फैमिली से, तो अपन कितना कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है, शिफ्टिंग में 5-6 लाख रुपए ऐसा घुस गया कि मालूम नहीं पड़ा, हाँ, तो वो भी मेरे शिफ्टिंग में मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी ये इसको भी इरादा है कि इसको हाइट में प्लेटफॉर्म सेम ऐसे ही बनाने का है, हाँ, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं जैसा फार्म की हाँ तरक्की बढ़ती रहेगी, काम लक्ष्मी आएगी तो सब काम होगा माशाल्लाह, ये भी आपने अच्छी जगह मेंटेन किया हुआ है, और ये भी सब तो ब्रीडिंग सेटअप है पूरा, ये वाला इसमें मेल एक है और सारी फीमेल है, ओके, तो चलिए एक नई चीज़ आसिफ भाई जो है ब्रीडिंग सेटअप भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, अच्छे बच्चे बिकते हैं यार भाई नहीं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आसिफ भाई आपका फार्म, एंड वन सेकेंड मैं बोलना चाहूँगा बहुत बहुत मुबारक हो न्यू जगह, और यहाँ पे आने से क्या हम लोग को भी आसानी रही आने में, कभी भी विजिट कर सकते हैं आसानी से, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड अस्सलाम वालेकुम।